क्या आप जानते हैं दुनिया के महान वैज्ञानिकों में से एक अल्बर्ट आइंस्टाइन के दिमाग को उनके मरने के बाद चुरा लिया गया था, जो कि आज भी अमेरिका के एक म्यूजियम में मौजूद है। और क्या आपको यह पता है, नासा के साइंटिस्टों को मंगल ग्रह पर कुछ ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह पर एलियन मौजूद है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का साइंस मिस्ट्री से जुड़े इस वीडियो में स्वागत है, जहां पर हम आगे कुछ ऐसे वैज्ञानिकों के बारे में जानने वाले हैं जिनकी खोजों ने ही उनकी जान ले ली थी। तो यह जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या आप जानते हैं जब अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हुई तो उनके ब्रेन के साथ क्या हुआ? तो दोस्तों, आप सभी यह तो जानते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टाइन कितने ज्यादा बुद्धिमान थे, जो कि अकेले ही 1000 साइंटिस्टों के बराबर सोच सकते थे, जिसके कारण लोगों का ऐसा भी कहना था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के पास एक दूसरा दिमाग भी है जो कि आम लोगों के दिमाग से बिल्कुल अलग है। लेकिन जब 1955 में अल्बर्ट आइंस्टाइन की मृत्यु हुई, तब डॉक्टर थर्मस ने उनके ब्रेन को चुरा लिया और उसे लेकर फिलाडेल्फिया चले गए, जहां पर उन्होंने अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन के 240 टुकड़े किए और उन्हें लेकर विजेटा चले गए। और ऐसे ही बहुत सालों तक वे उनके ब्रेन को लेकर भटकते रहे। पर कुछ समय बाद डॉक्टर थर्मस ने सोचा और डिसीजन लिया कि वे अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन को दुनिया भर के न्यूरोमेथोलॉजिस्ट के पास रिसर्च स्टडी के लिए भेज देंगे, और उन्होंने ऐसा ही किया, जिसके 30 सालों बाद दुनिया के सामने अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन पर एक रिसर्च स्टडी पब्लिश की गई, जिसमें बताया गया कि अल्बर्ट आइंस्टाइन के ब्रेन का पर्पस कॉलोसम आम ब्रेन के मुकाबले बहुत बड़ा था, जिसके कारण इनके दोनों ब्रेन के बीच काफी अच्छा संबंध था। यही नहीं, इनके ब्रेन का स्ट्रक्चर आम ब्रेन से बिल्कुल अलग था और इनके ब्रेन में नॉर्मल के मुकाबले बहुत ज्यादा न्यूरॉन्स फ्लो करते थे। और इन्हीं सभी कारणों के कारण अल्बर्ट आइंस्टाइन आम साइंटिस्ट के मुकाबले बहुत ज्यादा बुद्धिमान थे, तथा आज भी अल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन अमेरिका के द मर्टन म्यूजियम में रखा गया है। क्या आप जानते हैं, मंगल ग्रह से नासा के रोबोट ने कुछ ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जिन्हें देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो दोस्तों, मंगल ग्रह पर अभी तक 21 रोबोट भेजे जा चुके हैं, जिनमें से 4 ही रोबोट ने मंगल ग्रह पर लैंड किया है, और उन्हीं में से एक रोबोट है क्यूरियोसिटी, जिसे बनाने में लगभग $2.5 बिलियन का खर्च आया था। जब इसने मंगल ग्रह से एक फोटो भेजी जिनमें बहुत सारे पत्थर दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हीं पत्थरों के बीच एक पिरामिड जैसा पत्थर दिखाई देता है, जो कि हैरानी की बात है। धरती पर अभी तक मिस्ट्री बनी हुई इन पिरामिडों को आखिर मंगल ग्रह पर किसने बनाया? वही 1976 में वाइकिंग रोवर ने मंगल ग्रह पर एक बहुत बड़ी इंसानी फेस को कैप्चर किया, जिसे देखने में लगता है कि इसे किसी एलियन ने बनाया होगा। 2014 में भी क्यूरियोसिटी रोबोट ने मंगल ग्रह से एक हड्डी की फोटो भेजी, जो कि देखने में किसी एलियन की हड्डी लगती है। इसके कुछ दिनों बाद रोबोट ने मंगल ग्रह पर एक अजीब से रोशनी को भी कैप्चर किया। यही नहीं, 2018 में भी क्यूरियोसिटी रोबोट ने मंगल ग्रह पर एक महिला जैसे दिखने वाली स्टैचू को कैप्चर किया, जिसे देख नासा वाले भी हैरान हो गए। इसीलिए एलियन रिसर्चर कहते हैं कि आज भी मंगल ग्रह पर एलियन मौजूद है। क्या आप इस सदी के 3 ऐसे महान वैज्ञानिकों के बारे में जानते हैं जिनकी खोजों ने ही उनकी जान ले ली? तो चलिए जानते हैं। नंबर 3, आप सभी यह तो जानते ही हैं कि रेडियम कितना ज्यादा खतरनाक होता है, और इसकी खोज की थी मैडम क्यूरी ने, जिन्होंने इसके साथ ही पोलोनियम नामक तत्व की भी खोज की थी, जिनके खोजों की वजह से एक्सरे का आविष्कार संभव हुआ। लेकिन जब वे रेडियो एक्टिविटी पर काम कर रहे थे, तब वे दुर्भाग्यवश रेडियो एक्टिव के संपर्क में आ गए, जिसके कारण उनकी दर्दनाक मौत हो गई। नंबर 2, अमेरिकन विलियम बुलक को वेव और बेंडिंग प्रेस का जनक भी माना जाता है, लेकिन जब वे एक बार उस मशीन को ठीक कर रहे होते हैं, तब गलती से मशीन स्टार्ट हो जाने के कारण उनका हाथ उसी मशीन में फंस जाता है और वे काफी घायल हो जाते हैं। वे वहाँ से बच तो जाते हैं, लेकिन इन्फेक्शन के कारण उनकी दर्दनाक मौत हो जाती है। नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया के फ्रांस रिजर्ट पैसे से तो एक ट्रेलर थे, लेकिन इसके साथ ही वे एक इन्वेंटर भी थे। एक बार जब वे अपने बनाए गए पैराशूट को पहनकर एफिल टावर से जंप लगा रहे थे, तब समय रहते उनका पैराशूट नहीं खुल पाया और नीचे गिरने के कारण उनकी मौत हो गई।